प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को पहले पेज के मध्य आज में बात चल रही थी। तुम बच्चियां आई हो ज्ञान रत्न चुंगने के लिए है। शास्त्र में लिख दिया है एक चिड़ियाओं ने क्या किया है? और सागर को हप कर लिया। अरे क्यों हप कर लिया? उन्होंने तो दिखाया दिया है कि उनके अंडी बच्चों को सागर है। बाहर ले जाता था। अब यहाँ तो बेसिक ज्ञान से एडवांस ज्ञान में बाहर ले जाने वाली बात है। ज्ञान रतन देकर के बाहर ले जाने वाली बात है या कोई वो उन्होंने स्थूल सागर समझ लिया, स्थूल चिड़िया समझ लिया? नहीं, तो ये भक्ति मार्ग वाले ये भक्ति मार्ग की बातें कहते रहते हैं, बेसमझी की बातें। अर्थ कुछ भी नहीं, अनर्थ। तो अनर्थ से तुम गिरते जाते हो। कब? 2500 वर्ष का जो भक्ति मार्ग चलता है देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा, उससे तुम उसे सुन सुन करके तुम गिरते जाते हो। तो ये अनर्थ हो गया ना बच्चे, कि कुछ अर्थ सहित हुआ नहीं, क्योंकि तुम उतरती कला में चले जाते हो। ऐसे तो उतरती कला में सतयुग के आदि से ही उतरते हैं, परंतु वहां तो धीरे धीरे उतरते हैं, और यहां तो कलाएं तेजी से उतरने लग पड़ती है। अभी समझते हो कि हम भक्ति करते, ये करते, वो करते, यज्ञ तप दान पुण्य बहुत करते, जैसा जैसा मनुष्य गुरुओं ने बताया वैसा वैसा सब करते रहे, परंतु तुम बच्चों को अब मालूम हुआ है कि सिवाय ज्ञान रतन के हम चरती कला में नहीं जा सकते। और ये रतन तो अखूट भंडार सागर में भरा पड़ा है ज्ञान रतनों का। तो ज्ञान सूर्य बाप आकर के सागर के द्वारा मुकर रथ में प्रवेश करके ये ज्ञान रतन तुमको देते, तो ये देने की कल्प कल्प की बात है कि तुम हर कल्प में ज्ञान सागर को हप करके 21 जन्म के लिए अपनी आजीविका बनाई लेते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये तुम्हारा 21 जन्म की आजीविका, अथवा कहें अब जन्म जन्मांतर आत्मा को शरीर लेकर के आजीविका के लिए फिर है मास्टर से पढ़ते हो जन्म जन्मांतर के लिए। अभी तो 21 जन्म के लिए बताया, अभी जन्म जन्मांतर 84 जन्म के लिए क्यों बताई दिया? क्योंकि 21 जन्म के जो पुरुषार्थ के संस्कार हैं वो 63 जन्म में भी कायम रहते हैं आत्मा में। तो जिसने जो पुरुषार्थ 21 जन्म का किया, उस 21 जन्म के आधार पर जिसने जितना उच्च पद पाया वो वहां 63 जन्मों में भी द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक जो ब्रह्मा की रात कही जाती है, अज्ञान रात, उसमें वो उच्च पद ही पाते हैं। नंबरवार ऐसे नहीं है कि सिर्फ 21 जन्म की आजीविका तुम कमाते हो, नहीं,
है, कोई कोई बच्चे तो बोला है ना, है कहाँ बोला, कोई पूछे तो भाई कन्नड़ में जो मुरली मिली थी ना, भले उसकी तारीख अभी पक्की नहीं हुई है, लेकिन मुरली तो मिली ना कन्नड़ भाषा की, तो उसमें तो दिया हुआ था। कोई बच्चे ऐसे भी हैं 82-83 जन्म तक भी बहुत सुख में रहते, नहीं तो बाबा ने तो बता ही दिया। जो सनातन धर्म के पक्के बच्चे हैं वो तो ज्यादा जन्मों तक सुखी रहते, बाकी तुम जो बच्चे देवता धर्म में जन्म लेते हो, देवता बनते हो, उनके लिए बताया क्या, तुम्हारा पौना हिस्सा सुख और 1/3 तुम दुखी होते हो, 1/4 दुखी होते हो। माने कलयुग में आकर के तुम बच्चे बहुत दुखी हो जाते, बताया। अभी तुम मास्टर से पढ़ते हो, सुप्रीम टीचर से पढ़ते हो, इस सुप्रीम टीचर से तुम जो पढ़ते हो 21 जन्म के लिए, इसलिए कहा जाता है बेहद के लिए अभी जाजीविका, क्योंकि स्वर्ग को बेहद की दुनिया कहेंगे ना, है सुख की दुनिया है, सुख ही सुख होता है, वहां दुख तो होता ही नहीं। तो 21 जन्म के लिए तुम भरपूर हो जाते हो, है तन से भी भरपूर, धन से भी भरपूर, और मन की एकाग्रता से भी भरपूर हो जाते हो, तुमको कोई फिकरात नहीं रहती वहां, है कोई चिंता रहती है, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो जाते हो 21 जन्म के लिए। तो अपन को, तुम बच्चों को लकी सितारे समझना चाहिए, क्या लकी माने भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली वो है जो स्वर्ग का मुंह भी नहीं देखते। हाँ ये भी तो सितारा है ना बच्चे, कौन है, कौन सितारा है, है? अरे भाई बताओ कौन सितारा, किसकी बात की, अरे ये ब्रह्मा भी तो सितारा है ना, पृथ्वी वालों के नजदीक है तो बड़ा दिखाई पड़ता है, और जो भी चमकने वाले सितारे हैं वो तो बहुत दूर दूर है ना, ये तो बहुत नजदीक है तो इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। और दूसरे ग्रह उपग्रह में अगर मनुष्य जावेंगे या जाए रहे हैं तो वहां से उनको छोटा दिखाई पड़ेगा, सितारा दिखाई पड़ेगा या बड़ा दिखाई पड़ेगा, सितारा ही हुआ ना, हाँ तो ये भी तो सितारा है ना। सुप्रीम सोल बाप कहते हैं ये भी सितारा है, है? जैसे तुम सितारा हो, है? तेरे को नाम दिया ध्रुव तारा, तो ये भी, ये हाँ ध्रुव तारा दुनिया वालों की पहुंच से नंबर वार बहुत दूर से दूर है, हाँ। और ये चंद्रमा, चंद्रमा तो दुनिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए और सितारों के मुकाबले नजदीकी है ना, ध्रुव तारे के मुकाबले तो बहुत नजदीक है। तो ज्ञान सूर्य तो इनमें प्रवेश कर रहा है, इनमें माने किन में है, हाँ ये जो भी चंद्रमा का जनको मुखचंद्र, मुख कौन सा अच्छा समझा जाता है, चंद्रमा जैसा शीतल मुख बहुत अच्छा समझा, बच्चे किसको पसंद करते हैं, चांद को पसंद करते हैं या सूर्य को देखना पसंद करते हैं, चांद जैसा, हाँ चांद जैसा मुखड़ा कितना गाते हैं,
तो देखो ये जो भी है ब्रह्मा के मुख दादा लेखराज के, वो क्या है, ये चांद जैसे मुखड़े हैं ना। भले दादा लेखराज पुरुष तन भी है, दुर्योधन दुशासन है कि नहीं, हाँ भले है, तो भी वो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो अपन को अम्मा कुमारी ही मानते हैं, है वो उसे बहुत पसंद करते हैं ना, है उसे के चेहरे को ही देखते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते, हाँ उसी को देखना पसंद करते। तो इनमें प्रवेश कर रहा है, इन सभी मुखों में, कौन कौन से मुखों में, हाँ चार मुख हैं, है इनमें प्रवेश कर रहा है। वो गाया जाता है, क्या ये नहीं गाया जाता है चंद्रमा, गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अधेर विनाश। जो ज्ञान सूर्य है वो अलग है, इन चारों के मुकाबले अलग है कि इन जैसा ही है, अलग है। तो वो क्या करता है, उसका काम खास है, जो भी अज्ञान का अंधेरा है इन चार मुखों के द्वारा फैलाया हुआ, चार मुख वाला ब्रह्मा है ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा, तो उसकी कोई पूजा करता है, है? कोई मूर्तियां बनाता है, मंदिर बनाता है, कुछ है नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अज्ञान अंधकार फैलाए दिया, इसलिए हाँ अज्ञान अंधेरे में तो सब भटकते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकट होता है संसार में, तो देखो ज्ञान और अज्ञान का ये कंट्रास्ट दिखाते हैं, किसके द्वारा, ये विज्ञान निकलता है, क्या विशेष ज्ञान, वो हद का विज्ञान है मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ, और ये बेहद का विज्ञान कौन सा है पता है, ओहो योग, याद। ये याद जो है ना, ये संपन्न स्टेज में जब पहुंचेंगे, निरंतर जब तुम्हारी याद रहेगी, तो ये तुम्हारा उन मनुष्यों के बनाए हुए विज्ञान से, साइंस से, अरे वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत पावरफुल चीज हो जाएगी। ये बेहद का विज्ञान बाप से मिलता है। तो देखो तीन बातें हो गई, ज्ञान और उसके मुकाबले विपरीत अज्ञान, और फिर उन दोनों को क्लियर करने वाला विज्ञान, हाँ विशेष ज्ञान। तो अब तुम बच्चों ने समझा कि विशेष ज्ञान किसे कहा जाएगा, हाँ? सिर्फ ज्ञान को कहेंगे या योग याद को कहेंगे, हा? नहीं, जब वो याद और ज्ञान दोनों ही संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करें तो क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाए, विशेष ज्ञान हो, विशेष ज्ञान भी हो जाता है, विशेष योग भी हो जाता है। क्योंकि बताया ना, जो ज्ञानी जितना जास्ती होगा तो उतना ज्यादा योगी भी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो वहां है ना दिल्ली में यादगार, क्या क्या यादगार है, हा? दिल्ली में यादगार भी बनी हुई है, क्या है, एक अक्षर लिखो, है दुनिया भर की इबारत लिख देते हैं, ज्ञान विज्ञान भवन, हा? तो देखो दिल्ली में यादगार भी बनाई हुई है, है? अभी अज्ञान के लिए तो नहीं कहेंगे ना, है क्या ज्ञान विज्ञान भवन, हा? कि अज्ञान विज्ञान भवन नहीं, ज्ञान विज्ञान भवन कहेंगे। तो तुम फिर कहेंगे कि ये वो है अज्ञान भवन, और ज्ञान और विज्ञान तो वो नहीं है ना जो दिल्ली में बिल्डिंग बनाई रखी है, नाम रख दिया, नाम है सिर्फ, काम तो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात ज्ञान और योग का तो उनको कुछ भी वहां मालूम नहीं है, परंतु सिर्फ नाम रख दिया है, जैसे इस दुनिया में नाम रख देते हैं, कहते हैं ना
बंसी न पुंगो नाम है बंसी धरा, है ना, जल की न बुंदो नाम है गंगा धरा। अरे नाम ऐसे ही रख देते हैं, अब नाम रखे है ना बच्चे तो काम तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और बाप बैठ करके ये बातें समझाते हैं क्या कि शास्त्रों में जो भी नाम है वो सब काम के आधार पर हैं, है उन्होंने उनको ऐसे नहीं समझा, ये काम के आधार पर नाम है, है? तो भक्ति मार्ग में नाम तो दे दिए हैं, अर्थ नहीं जानते, नाम दे दिए हैं, दुर्योधन दुख, दुख माने खराब, दुख देने वाला, दुशासन दुशल दुशला, अरे नाम तो दे दिए, उनका अर्थ भी जानना चाहिए ना, हाँ नाम दे दिए हैं, काम से कोई मतलब नहीं। तो इसको कहा जाता है फिर अज्ञान मार्ग, कितने गपोड़े लगाए हैं शास्त्रों में है। तो देखो इसमें सभी गपोड़े हैं, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखे हुए हैं सारे गपोड़े। जैसे ब्रह्मा के लिए, अभी देखो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए है, और तो कोई ब्रह्मा दूसरा नहीं है ना, प्रजापिता ब्रह्मा वो तो मनुष्य होते हैं ब्रह्मा है, इसे ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मुकर्रर रथधारी को सारी प्रजा का पिता है। अब उन चार मुख वाले जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, चार मुख हैं, चार आत्माएं हैं, उनमें किसी को या सब को कहा जाएगा सारी प्रजा का पिता है? हाँ नहीं, अरे थोड़ी बहुत प्रजा के ऊपर असर डालते होंगे, प्रभाव डालते होंगे, वो प्रभावित होने वाली उनसे प्रजा उनकी बन जाती होगी, बाकी 500-700 करोड़ मनुष्य जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं बेहद के रंगमंच पर, उन सबका बाप है कोई उनमें चारों में है, कोई भी नहीं। अच्छा फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है, है? कि प्रजापति को दो भुजाएं, अब जानते नहीं है कि पति पहले बनता है कि पिता पहले बनता है, पहले तो पिता होता है ना, पिता होगा पत्नी बनाएगा, अपनी रचना किसी को बनाएगा तब बच्चे पैदा करेगा, बाद में वो फिर है कहा जाता है जब पत्नी बनाता है तो कहा जाता है पति कि पहले ही पति नहीं। तो देखो पीछे कहते हैं चार भुजाओं वाला, फिर आठ भुजाएं है, फिर ये 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं, अरे आगे चलते चले जाओ है 16000 भुजाएं, सुना है कभी? और शास्त्रों में तुम बच्चों ने ये सुना क्या कि कोई मनुष्य को इतनी भुजाएं होती है? सहस्त्र भाव अर्जुन दिखाई दिया, 1000 भुजाओं वाला अर्जुन, ओहो ब्रह्मा को 1000 भुजाएं, अरे इतनी भुजाओं वाला होगा, रावण को 10 सिर वाला दिखाई दिया, अरे अम्मा को तो बिचारी को मुसीबत हो जाएगी पैदा करने में है, नहीं हो जाएगी? हाँ तो बताया ये सभी को हम महाभारत में या भागवत में या कहां भी किन शास्त्रों में इन सब में लिखा दिया हुआ, अर्थ कुछ भी नहीं। अरे अब बाप आकर के बताते हैं ये भुजाएं जो है मनुष्य की वो तो आत्मा की सहयोगी होती है ना, हाँ सबसे जास्ती सहयोग भुजाएं देती हैं कि कोई और अंग देता है, भुजाएं सबसे जास्ती सहयोगी होती है। तो देखो ये सभी को हम महाभारत में भागवत में समझाया हुआ है, ये जो इतनी भुजाएं दिखाई हैं देवियों को ये सब देवियों की भुजाएं हैं, है? देखो महाकाली को कितनी भुजाएं दिखाते हैं,
दिखाते कि नहीं? दुर्गा को कितनी भुजाएं दिखाते हैं। अरे वो दुर्गा जो दुर्गुण दूर करने वाली थी, वो पहले तो अपने दुर्गुण दूर करे ना, सच्चा संग करेगी, अच्छा संग करेगी के कीचकों का संग करेगी तो दुर्गुण दूर होंगे। हाँ, दुर्योधन दुशासनों का संग पालने से, उनको संग करने से थोड़े ही ऐसे होगा, ऐसे का संग करे जो एक का संग करने वाला हो। तो महाकाली किसका संग करती है? तब महागौरी के साथ महालक्ष्मी बनती है। किसका संग करती है? जिसका नाम ही है गौरी उसका नाम है काली। काली बनी तो नंबर 9 की देवी हो गई, बाद में पूजा होती है। और गौरी बनती है तो अव्वल नंबर में लक्ष्मी की पूजा होती है। तो समझा क्या? काली और गौरी का फर्क समझा? अब उन्होंने कृष्ण को काला गोरा बनाई दिया। कृष्ण काला, कृष्ण गोरा दिखाते हैं ना? दिखाते हैं कि नहीं? नहीं, कृष्ण को तो गोरा ही दिखाते हैं कि काला दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? अरे एक अक्षर लिखो, कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। लेकिन समझते नहीं है उसका चेहरा जो मंदिरों में काला दिखाया हुआ है कि गोरा दिखाया हुआ है। भले बच्चे के रूप में है, बच्चा बुद्धि है, बच्चे को तो महात्मा कहा जाता है, उसका काला चेहरा क्यों बनाई दिया? समझते नहीं कि वो किसकी यादगार है। वो उस 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण की यादगार नहीं है, वो तो उस कृष्ण बच्चे की यादगार है जिसको शिव बाप मुकरर रथ के रूप में या अर्जुन रथ के रूप में कल्प कल्पांतर आकर के अपनी गोद में गोद लेते हैं। तो देखो अभी अर्थ क्या है, और उनका अनर्थ कर दिया है। वहां तो देखेंगे, कहेंगे कि ब्रह्मा, ब्रह्मा को तो 100 भुजाएं दे दी है। अब ये इतनी भुजाएं दे दी है नहीं, पर ब्रह्मा को कितनी भुजाएं होती हैं? देखो ब्रह्मा की भुजाएं इतनी होती हैं जो देवता बन जाते हैं। अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये सभी इतनी भुजाएं ही तो हैं सहयोग देने वाली, सहयोगी को भुजा कहा जाता है। फिर एक एक कुमार और ये कुमारी है तो दो दो भुजाएं हो गई ना, तो ये सब दिखलाते हैं शास्त्रों में। अभी ये जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई है, तो इसका क्या अर्थ दिखलाते हैं? कुछ पता ही नहीं, तो उनका भी कोई अर्थ होगा ना। तो वो दो हैं लक्ष्मी और नारायण, दो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली और दो नारायण का पार्ट बजाने, एक अव्वल नंबर का नारायण और एक नंबर 2 का नारायण, एक नारायण कलातीत और एक नारायण कलाबद्ध। दूसरा 16 कला संपूर्ण नारायण होता है कि नहीं? हाँ, सतयुग में 16 कला संपूर्ण, सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण। लेकिन सतयुग से पहले क्या हुआ वो तो किसी को पता ही नहीं। ऐसा बड़ा दुनिया का बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें सारी दुनिया खलास हो जाती, होती है कि नहीं? अब ये बात दूसरी है कि कोई देह अभिमान से खलास होते हैं और कोई कोई देह से ही खलास हो जाते। तो देखो बताया कि शास्त्रों में अनर्थ कर दिया है, वो जानते ही नहीं है कि दो आत्माएं हैं लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली नंबर 1 और नंबर 2, और दो आत्माएं हैं नारायण का पार्ट। तो 4 आत्माएं हुई ना, तो वो 4 आत्माएं भुजाओं के रूप में हैं, सहयोगी के रूप में हैं, ऐसे नहीं कि वो कोई
उन भुजाओं को चलाने वाला कंट्रोलर है। कौन हुआ कंट्रोलर है? नाम लिखो। राम कंट्रोलर, राम वाली आत्मा ही तो नारायण बनती है, आदि नारायण परब्रह्म। अच्छा, परम ब्रह्म नारायण कौन सा परम ब्रह्म है? विष्णु में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा है लक्ष्मी, वो परम ब्रह्म, वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं। आदम तो पतित को कहा जाता है, उसको विष्णु कहेंगे है? अरे विष्णु तो वो हुआ जो जो बाबा ने कहा आदि नारायण जब बनता है पुरुषार्थ के अंत में, तो संपूर्ण स्टेज बनती है कलातीत स्टेज, सूर्य जैसी स्टेज बन जाती है। तो नाम उसका पड़ता है विवस्वत। क्या बाप आते हैं ज्ञान सूर्य शिव है, हेवनली गॉड फादर जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं ज्ञान सूर्य विवस्वत को, तो उसे आप समान बनाते हैं। जब आप समान बनता है ज्ञान सूर्य, तो फिर देखो शास्त्रों में लिख दिया है कि वो विवस्वत सूर्य की जो आत्मा है, राम वाली आत्मा, उस राम को बाप कहा जाता है। किसका बाप? अरे मनुष्य सृष्टि, साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है कि निराकार आत्माओं का बाप है? निराकार आत्माओं का तो बाप नहीं है। तो देखो है, पहले रावण नहीं होता है, ये रावण तो बाद में है? चित्र दिखलाएंगे ना, राम का चित्र पहले और रावण का चित्र बाद में दिखलाएंगे। ओम शांति।